क्लास के सभी विद्यार्थियों जो चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को आज पुनः फिजिक्स की क्लास में सहृदय स्वागत करता हूं। और आज फिजिक्स की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक लेकर चल रहे थे, आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब तक हम लोग जो पिछले चैप्टर में देख रहे थे, ओवर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पर मुख्य रूप से फोकस कर रहे थे, ओम के नियम को फोकस किया है ना, प्रतिरोधों के सारी कहानियां तुम लोग को सुनाए और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोग को बताए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अब देखिए, आगे हम बताने जा रहे हैं कि अगर किसी चालक तार से या किसी पदार्थ से अगर विद्युत धारा करंट अगर लगातार हम प्रवाहित करते हैं तो वह करंट का क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। आज की क्लास हम यही बताने जा रहे हैं कि विद्युत धारा का प्रभाव। तो देखिए, ऐसे सभी विद्यार्थी जान लीजिए कि अगर किसी पदार्थ अर्थात बिलियन या चालक तार से अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा का मुख्य रूप से तीन प्रभाव देखा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रभाव जूल साहब ने देखा वह ऊष्मीय या तापीय प्रभाव रहा। कौन प्रभाव देखा? यानी ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। देखिए, दूसरा प्रभाव जो हमारे माइकल फराडे सॉरी यानी वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने देखा, वह देखा चुंबकीय प्रभाव। कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। और तीसरा प्रभाव कहा जाए तो हमारे माइकल फराडे साहब का देन है, जिन्होंने खोज किया रासायनिक प्रभाव। ठीक है, बोलिए विद्यार्थी, तो विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं? तीन प्रभाव होता है। तो पहला कौन प्रभाव है? वह है ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। ठीक है, दूसरा देखा जाए चुंबकीय प्रभाव, और तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। बात समझ गए? यही तीनों प्रभाव हम लोग को देखने को देख मिला। तो अब सवाल उठती है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जिसका खोज जूल साहब ने किया, इसका मतलब क्या हुआ? ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो देखा जाए, ऊष्मीय प्रभाव का मतलब यही समझिए कि विद्युत ऊर्जा अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। और विद्युत ऊर्जा का यानी ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, भाषमय चूंकि पहले ही बता चुके हैं सभी विद्यार्थियों के कि ऊर्जा एक ऐसी राशि है जो न तो कभी पैदा होता है और न तो कभी विनाश होता है, बल्कि हम चाहें तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकते हैं। ये पहले ही आप लोग को अवगत करा दिए हैं। तो यहाँ पर यही समझिए कि अगर विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में अगर रूपांतरण होता है तो इसी का नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बात समझे सर विद्यार्थी? किसी को दिक्कत? फिर से एक बार, मतलब विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है यानी थर्मल इफेक्ट या हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मतलब यही समझिएगा, ये आप लोग अनुभव भी किया है। देखते हो कि जब किसी बल्ब से अगर लगातार करंट प्रवाहित करते हो तो कुछ समय के बाद बताइए वह बल्ब गर्म हो जाता है कि नहीं? होता है।
तो कभी सोचा तुम इसके बारे में कि आखिर वह बल्ब गर्म कैसे हो गया? आप देखते हैं कि जब हीटर से आयरन से अगर करंट लगातार प्रवाहित करते रहते हो तो वह हीटर के अंदर जो नाइक्रोम का तार है वह गर्म होकर के लाल हो जाता है। देखे हो ना? या आपके घर में हीटर देखे हैं या हीटर की जगह आयरन को देखिए, अगर आयरन से कंटिन्यू अगर करंट प्रवाहित करते हो तो बताइए कि वह आयरन का प्लेट गर्म हो जाता है कि नहीं। तो बताओ सोच करके कि किसी चीज को गर्म होने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? ऊष्मा ऊर्जा होता है कि नहीं। आप किसी चीज को गर्म करते कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग लड़के कि ये जो आयरन की स्तरी कहते हो स्तरी दो तरह का देखा होगा, एक तो इलेक्ट्रिक करंट से गर्म कर रहे हो और कहीं कहीं देखा होगा कि इसको चूल्हा पर भी यानी आग पर रख करके भी गर्म किया जाता है। देखे हो ना? तो इसका मतलब आग पर रख करके आयरन को अगर गर्म कर रहे हो इसका मतलब आप डायरेक्ट ऊष्मा दे रहे हो तब गर्म हुआ। तो बताओ कि अगर बिजली की तार आप आयरन से जोड़ दिया और अगर वहां विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में नहीं बदलता तो क्या आयरन गर्म हो जाता? नहीं होता। बोलिए क्लास में या चैनल से जुड़े तो क्लास के लड़के को ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, देखिए ऐसा ना है? और चैनल के द्वारा जुड़े हुए बच्चे वो भी कह सकते हैं कि सर हम देखे हैं। इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा को अगर हम चाहें तो ऊष्मा ऊर्जा में बदल सकते हैं, है ना? तो अगर ऊष्मा ऊर्जा में बदल सकते हो तो समझे इसी को कहते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम कर रहा है। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो भी यंत्र काम करता है उसी को विद्युत तापित उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत तापित उपकरण। मतलब अब कहीं कहीं बुक में लिख देता विद्युत तापन अवयव, तो विद्युत तापन अवयव का मतलब हो गया कि जिस युक्ति, ठीक है, जिस युक्ति के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं या जिस भाग के द्वारा होता है तो उसी का नाम होता है विद्युत तापन अवयव। जैसे कि बताइए यहाँ पर लिखा है विद्युत तापन अवयव या उपकरण, जिसके बारे में यही बोला कि वैसी युक्ति या भाग जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसी को विद्युत तापित उपकरण कहते हैं। और आप लोग देखे होंगे बहुत सारा उपकरण, जैसे कि जिसको टोस्टर बोलता है उसको अपनी भाषा तख्ता और गलनांक ये दोनों उच्च होता है, और दोनों उच्च होता है जिसके कारण क्या होता है कि नाइक्रोम से अगर कम परिमाण में भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तब इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकेगा। अगर प्रतिरोधकता गलनांक कहीं निम्न कर देते हैं तब वहां पर ये उपकरण काम नहीं करेगा। इसलिए याद करना कि विद्युत तापित उपकरण तभी काम करेगा जब उसमें प्रयुक्त तार जो है उसकी प्रतिरोधकता और दूसरा गलनांक ये दोनों ऊंच होना चाहिए। अगर दोनों ऊंच है तो समझिए कि वह उपकरण आपका सही सलामत कार्य करेगा। अब आगे बात रहती है, देखिए कि आखिर बताओ विद्युत ऊर्जा को चाहते हो कि ऊष्मा ऊर्जा में बदले, तब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना चाहते हो इसका मतलब उसके रास्ता में कहीं रेजिस्टेंस लगाना होगा, रेजिस्टेंस लगेगी प्रतिरोध लगेगा। तो इस समझिए कि एक मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारा जो न्यूमेरिकल है एक फॉर्मूला इसमें आ जाती है कि प्रतिरोध आर के कारण, प्रतिरोध आर के कारण उत्पन्न होने वाली ऊष्मा हीट जो है वह तीन बात पर निर्भर करता है। पहला है विद्युत धारा के परिमाण आई, दूसरा है आर रेजिस्टेंस और तीसरा है टी फॉर टाइम। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी ए फॉर्मूला का अगर हम प्रयोग करें तो ये बता सकते हैं कि प्रतिरोध के कारण कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा
इस फॉर्मूला से भी आप वैसे न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं, जैसा कि फिर हम लोग अगले दिन इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। आज इतना कंप्लीट करेंगे, तब तक आप लोग तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।